मैं डॉक्टर अख्तर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, ईवीएम मास्टर ट्रेनर। आज हम आपको डेमोंस्ट्रेशन देंगे कि किस तरह से इस ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल इलेक्शन में करना है, क्योंकि पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है। पोल प्रोसेस से लेकर, शुरू से लेकर पोल क्लोज करने तक आपको किन मरहल से गुजरना है, कैसे इसको हैंडल करना है, किस तरह इसको कनेक्ट करना है, वो सारा प्रोसेस हम आपको दिखा देंगे, ताकि आपका और हमारा इलेक्शन जो है वो एरर फ्री रहे, उसमें किसी किस्म की कम्प्लिकेसी जो है वो मशीन के हवाले से पोलिंग बूथ पर पैदा ना हो। ये मेरे हाथ में जो है ये कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट जिसमें सारा वोट जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ये वाला बॉक्स जो है ये पोलिंग पार्टी को आपको सील होकर मिलेगा, ये वाला बॉक्स जो है ये अनसील्ड होकर मिलेगा, ये वाला, और इसका इनर बॉक्स भी अनसील्ड होकर मिलेगा। इसकी अपनी कोई लीड नहीं है। दूसरा हमारे पास वीवीपैट है, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें से जब इलेक्टर वोट डालता है इसमें एक स्लिप डिस्प्ले होती है, 7 सेकंड के लिए वो विजिबल रहती है, जिसमें आप जान सकते हैं कि जिसको आपने वोट कास्ट किया है वो वोट जो है उसी कैंडिडेट के हक में गया है। ये हमारा बैलेट यूनिट जिस पे इलेक्टर बटन दबा के वोट रिकॉर्ड करता है। अब बैलेट यूनिट की लीड हमारी जो है ये वीवीपैट के साथ कनेक्ट होगी, और इसको कनेक्ट करने का आसान तरीका ये है, ये रेड क्लिप और ब्लैक क्लिप ये है, और इसको बैक साइड आप देखेंगे एक बॉक्स है, बॉक्स को आप खोलेंगे ऐसे, और ये सॉकेट बना है रेड और ब्लैक। आप इसको लीड को रिस्ट से पकड़ के ऐसे इसको दबा देंगे, बिल्कुल आराम के साथ एक टक की आवाज आ जाएगी, इसको आप बंद करेंगे, और इसका ख्याल रखेंगे ये जो नॉब है ये हॉरिजेंटल पोजीशन में हो, जब आपको इसको इस्तेमाल करना होगा उस वक्त इसको वर्टिकल में लाना है। ये आपने लगा दी बैलेट यूनिट की लीड वीवीपैट के साथ, और वीवीपैट की लीड जो है आप कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने बैलेट यूनिट की लीड वीवीपैट के साथ कनेक्ट की। यहां रिस्ट से पकड़ के रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ, बिल्कुल आराम के साथ एक टक की आवाज आ जाती है, इसको आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जब आपने लीड कनेक्ट की, अब आप करेंगे जो ये नॉब लगा है बैक साइड में ब्लैक कलर का, ये हॉरिजेंटल पोजीशन में है, जब आपने इसको काम में लाना नहीं है तब ये हॉरिजेंटल पोजीशन में रहे, जब आपने इसको काम में लाना है तो वर्टिकल पोजीशन में लाना है। इसको आप ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में 90 डिग्री में आप इसको लाएंगे। इसको वहां पे लाने के बाद आप मशीन का कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद आपके वीवीपैट से 7 स्लिपें ऑटोमेटिकली बॉक्स में ड्रॉप होंगी, जिस पे कोई वोट नहीं होगा। अलबत्ता ये ईवीएम, ये बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की स्कैनिंग कर रहा है कि आपका हर पार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा है। इसमें आप देखें स्लिपें गिर रही हैं, जिस पे किसी किस्म का कोई वोट नहीं है, अलबत्ता ये इसको टेस्ट कर रहा है। 7 स्लिपें गिरने के बाद आप इसको फॉलो करेंगे डिस्प्ले स्क्रीन को। स्लिपें गिरने के बाद ये चलता रहेगा, सेल्फ चेकिंग होती रहेगी। ये आपको कंट्रोल यूनिट इसका सीरियल नंबर बता रहा है, बैलेट यूनिट आपका ओके है वो बताएगा, वीवीपैट आपका ओके है वो डिस्प्ले होगा, कैंडिडेट की सेटिंग, कितने आपके पास कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो आपको शो करेगा, टाइम और डेट आपको शो करेगा, और फिर इसको आप चलने देंगे, तब तक चलने देंगे जब तक न स्क्रीन पर ईवीएम इज रेडी वो आ जाए, तब तक आप इसको फॉलो करते रहेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये कैंडिडेट्स आपको बता रहा है, इसकी सेल्फ चेकिंग कर रहा है, इसके हर यूनिट का आपको बता रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है कि आपके बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट का हर पार्ट जो है वो ओके है। ठीक है, ये आपको इस तरह से जब ईवीएम आपको यहां से मिलेगी वो आपको इसी पोजीशन में मिलेगी, बिल्कुल इसमें कोई वोट नहीं होगा, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं होगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपने लीड कैसे कनेक्ट करनी है, कौन सा पहला पड़ाव है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको सारा दिखा रहा है, आपको फॉलो करना है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। अब आप देखें ईवीएम इज रेडी, स्क्रीन पे आ गया, अब आपकी मशीन जो है वोट के लिए रेडी है। अब क्या करेंगे आप, ये जो ब्लू कलर का बटन है जिस पे बैलेट लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर या P1,
उसको प्रेस करेगा। यहां आप टॉप पे देखेंगे रेड लाइट आ गई कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में रेड लाइट आ गई, आपके बैलेट यूनिट में यहां टॉप पे ग्रीन लाइट आ गई यानी रेडी है। अब आप किसी कैंडिडेट को भी वोट डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने सीरियल नंबर 1 को वोट डाला, इसको आपने प्रेस किया, इसके साथ रेड लाइट आ गई, यहां इसी नाम की, इसी कैंडिडेट की, इसी सीरियल नंबर की स्लिप जो है 7 सेकंड के लिए विजिबल है, फिर इसमें ड्रॉप हो गई, बीप ट्यून आ रही है, इसका मतलब है कि आपका वोट जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। बीप ट्यून से पहले आप बटन को दोबारा प्रेस नहीं करेंगे जब तक ना बीप ट्यून आ जाए। दूसरा वोट डालने के लिए आपको फिर से बैलेट वाला बटन दबाना होगा, यहां कंट्रोल यूनिट पर रेड लाइट आ जाएगी, यहां ग्रीन लाइट आ जाएगी, आप जो है दोबारा वोट डालते जाइए। ठीक है, फिर से रेड लाइट, फिर से स्लिप जिसको आप वोट डाल रहे हो, स्लिप आ रही है, इसमें ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप होने के बाद इस पे बीप ट्यून आ रही है कि आपका वोट रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरह से आप मॉक पोल में कम से कम 50 वोट आप डाल दीजिए। वोट डालने के बाद मान लीजिए आपने मॉक पोल कंप्लीट किया, आपके मिनिमम 50 वोट इसमें आ गए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ये वाला बॉक्स खोलना है जो सील्ड नहीं होगा, और इसका क्लोज वाला बटन आपने प्रेस कर देना है। अब आपकी मशीन यानी कंट्रोल यूनिट लॉक हो चुका है। अब आप इसको मान लीजिए कलर्ड है, ये आपको अपने चेहरे की तरफ रहे, बिल्कुल ऐसे इस तरह से आप इसको गुजारेंगे इन दोनों के दरमियान, एक ही सील ये आपने गुजारनी है, ये आपने लगा दी बिल्कुल ऐसे, कलर्ड वाला अंदर की तरफ आ गया और ये ब्लैंक वाला जो है आपका बाहर की तरफ आ गया। यहां से आपको एक और एड्रेस टैग इस पे लगा देना है, इसको सील करना है, इस वाले बॉक्स को बंद करना है, ये वाला, यहां भी आपको ये वाला साइड में सुराख है, इसमें भी धागा गुजार के आपने इसको भी एड्रेस टैग लगा देना है। अब बाहर से एक आ जाती है इस तरह की स्ट्रिप सील, स्ट्रिप सील लंबी सील होती है जिस पे इस तरह का, ये भी डम्मी बनाई है हमने, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, प्री गम्ड होगा, बैक साइड सी लिखा होगा और एक तरफ से डी लिखा होगा। इसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ये वाला ए आप इसको रखेंगे ऐसे अपनी तरफ, ऐसे रखेंगे, ये ए जो है बिल्कुल अपने चेहरे की तरफ लाएंगे, आप ए अपने चेहरे की तरफ लाएंगे ऐसे ऐसे, और ये वाली सील जो यहां से निकली है इसको आप इसके ऊपर ए के ऊपर लाएंगे, ठीक है, और यहां बी को ऐसे टर्न करेंगे, आप बी को इस तरह टर्न करेंगे, इसके ऊपर जो ये छोटी सील है इसके ऊपर से ऐसे लाएंगे, इस वाले रबर ब्लैक रबर के नीचे से, और यहां से ये वाली सील छोटी सील लाके आप सी के ऊपर लाएंगे, और इसको यहां से लपेट के यहां से इस क्लोज वाले बटन के नीचे से, और ये वाली इसके ऊपर जो छोटी सील है, ये जो डी लिखा है, आप इसको इसके ऊपर से चिपका देंगे डी के ऊपर, इस तरह से आपका ये सील हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि क्लोज वाले बटन के नीचे से आ जाए, और लास्ट में जब आपका पोल क्लोज होगा कंप्लीट होगा तो आपने ये वाला रबर यहां से उठाना है और अपनी उंगली डाल के इसको क्लोज करना है। इसको सीलिंग करने के बाद आप इसको फिर से स्विच ऑन करेंगे, और यहां इसको पहले स्विच ऑन करने से पहले इसको आप जो है सील कर देंगे, ये वाला ड्रॉप बॉक्स इसको आप सील करेंगे, धागा डालेंगे यहां से, इसको सील करेंगे, और फिर एक्चुअल पोल के लिए जब आप बटन दोबारा स्विच ऑन करेंगे इसमें फिर से ऑटोमेटिकली 7 सिल्पें और गिरेंगी, लेकिन अब वो इसी बॉक्स में रहेंगी, अब आपने वो नहीं निकालनी है। अब एक्चुअल इलेक्टर आ जाएंगे, आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर इस वाले बैलेट वाले बटन को दबाएंगे, यहां रेड लाइट आ जाएगी, यहां ग्रीन लाइट आ जाएगी, यूं पोलिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जब पोलिंग खत्म हो जाएगी और पोलिंग खत्म होने के बाद उस आखिर में क्या करेंगे, आप ये वाला रबर यहां से उठाएंगे, इसको क्लोज करेंगे, मशीन का स्विच ऑफ करेंगे और लीड को डिस्कनेक्ट करेंगे। अब आप ये लैचेस प्रेस करके, लगाते टाइम प्रेस नहीं करना है लेकिन जब आपने निकालना है इसको प्रेस करेंगे ऐसे, इसको बंद कर देंगे, इसको अपने ब्रीफकेस में रखेंगे, उसको बायर से टैग करेंगे। इसी तरह से वीवीपैट का जो नॉब है इसको हॉरिजेंटल पोजीशन में लाएंगे,
इसका भी बॉक्स खोल के यहाँ क्लचेस को प्रेस करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसको भी आपने केस में वापस डालेंगे, बैलेट यूनिट को अपने केस में डालेंगे, और जो बाहर वाले केसेस हैं ब्रीफ केस टाइप का होगा उसको भी आप एड्रेस टैग और धागा वगैरह से बंद कर देंगे, और ये वाला वोट जो है आप अपने पास भी नोट करेंगे, एजेंट भी अपने पास जो है वो नोट करेंगे। और ये याद रखिएगा, मशीन को क्लोज करना और स्विच ऑफ करना ना भूल जाइएगा। ये इंश्योर कीजिएगा लास्ट पे पोलिंग जब ख़त्म हो इसको क्लोज करना है और इसका स्विच जो है ऑफ करना है। क्यों? इसलिए कि 48 घंटा इसका बैटरी बैकअप होता है, अगर ये ऑन रहेगी तो इसकी बैटरी जो है वो डेड हो सकती है, इसलिए आप इसको स्विच ऑफ करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान डॉक्टर अख्तर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। तो इसी तरह हम वन बाय वन करके वोट डालते जाएंगे। जितना वोट हमने डालना होगा मॉक पोल में, कम से कम 50 वोट, मिनिमम 50 वोट हम मॉक पोल में डालें। और होना तो ये चाहिए था वन, अगर 16 कैंडिडेट है 1:3 करके डालें, अगर उससे कम कैंडिडेट हैं तो आप 50 वोट जो है वो इसमें कास्ट करें, और फिर इसकी स्लिपें जो है उसको आप निकालें, 7 स्लिपें जिन पे कोई वोट नहीं है, और बाकी स्लिपें उनको सेग्रीगेट करना है कि किस कैंडिडेट के हिस्से में कितने वोट आ चुके हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना है, अगर आपने इसको करना है तो इसमें जो ड्रॉप बॉक्स ये वाला है इसमें आपकी सारी स्लिपें ड्रॉप होंगी जो आपने वोट इसमें डाला है। ये इसको आप खोलेंगे, ये स्लिपें आप यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये वाली स्लिपें आप बाहर निकालेंगे। इसमें से जो 7 स्लिपें हैं वो आपने अलग करनी है जिन पे कोई वोट नहीं है, जो स्टार्ट में हमने की थी, और उसके बाद जो हमने वोट डाला मॉक पोल में, इसको आप मान लीजिए सीरियल नंबर 1 को आपने 4 वोट डाले या 5, उसको सीरियल नंबर 1 के हिसाब से सेग्रीगेट करना है। इसी तरह 2, इसी तरह 3, इसी तरह 4, ये चीज़ें आपने करनी है, अलग अलग इनको करना है, एजेंट्स को दिखाना है। और फिर यहाँ आप जब ईवीएम आपने क्लोज की मॉक पोल में, तो आपने क्या करना है, क्लोज करके इस स्लिपों को जो है इनसे वेरीफाई करना है, इनको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको क्लोज करेंगे, पहले क्लोज करेंगे, क्लोज हो गई मशीन, इसमें कोई वोट नहीं है, यहां से आपने ड्रॉप बॉक्स से स्लिपें निकाली, उनको आपने सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया, और यहां से फिर अब क्या करेंगे, आप क्लोज करने के बाद स्क्रीन पे चलेगा और यहां आ जाएगा पोल क्लोज्ड। क्लोज के बाद फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप रिजल्ट वाला बटन दबा देंगे, ठीक है, रिजल्ट वाला बटन दबा देंगे। यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अब यहां प्रोसेस चलेगा, जितने कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट आपकी ईवीएम में सेट हैं वो वन बाय वन करके सीरियल चलेगा और आपको शो करेगा कि सीरियल नंबर 1 को कितने वोट, सीरियल नंबर 2 को कितने, सीरियल 3 को, इसी तरह से एंड तक ये चलेगा और आपने इसको फॉलो करना है। और ये वाला रिजल्ट आप इस रिजल्ट के साथ मैच करेंगे स्लिप के साथ, कि जो वीवीपैट के अंदर आपने स्लिपें निकाली मॉक पोल की, उनको सेग्रीगेट किया, सीरियल नंबर 1 की कितनी स्लिपें हैं और यहाँ सीरियल नंबर 1 को कितना वोट है, वो आप उसके साथ इसको टैली करेंगे और आप इसको फॉलो करते जाएंगे इसको वन बाय वन करके। ये जितने कैंडिडेट की सेटिंग इसमें है, अभी हमारे पास 16 कैंडिडेट की सेटिंग है, ये वन बाय वन करके 16 तक चलेगा। और आपने इसको और इस वाले स्लिपों को इनको आपस में मैच करना है, जो वीवीपैट से आपने स्लिपें निकाली हैं, कि आपने एक कैंडिडेट की अगर यहाँ 4 स्लिपें हैं तो यहाँ भी रिजल्ट में, रिजल्ट फर्स्ट में कैंडिडेट को 4 वोट होने चाहिए, इसको आप इसके साथ मैच करेंगे, इनको सेग्रीगेट करेंगे, इनको आप अलग से एक एनवेलप होगा उसमें आप पैक करेंगे, जो आपका मॉक पोल स्लिपें आपके पास है उनको आप अलग से एनवेलप में पैक करेंगे, इसको आप फॉलो करेंगे। ये आपको चलेगा वन बाय वन करके, ये अभी 16 तक चलेगा, और आपके मॉक पोल टाइम पे जितने कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट होंगे, मान लीजिए आपके 8 कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इसमें सेटिंग जो होगी वो 9 की होगी, 9वां सीरियल जो होगा वो नोटा का होगा, 8 कंटेस्टिंग कैंडिडेट
और नौवां जो होगा वो होगा नोटा का। तो गोया नौ कैंडिडेट की सेटिंग आपके इसमें होगी और रिजल्ट वाला बटन जब आप दबाएंगे तो ये सीरियली वन बाय वन करके नौ तक चलेगा। अभी ये चल रहा है 16 तक, क्यों, इसमें 16 कैंडिडेट की सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल पोल में जितने कैंडिडेट्स की सेटिंग होगी उतने ही कैंडिडेट तक ये वन बाय वन करके आपके पास चलेगा। इसको आपने फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद जब रिजल्ट में लास्ट वाला कैंडिडेट का सीरियल आ जाएगा उसके बाद स्क्रीन पर आएगा एंड लिख के ई एंड डी एंड, यानी ये वाला बटन जो आपने प्रेस किया था रिजल्ट वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अब रिजल्ट वाला बटन दबाने के बाद आपका जो मॉक पोल वोट इसमें है वो आपने डिलीट करना है, यानी इसके अंदर एक्चुअल पोल स्टार्ट करने से पहले कोई भी वोट इसके अंदर नहीं रहे, उसको आपने डिलीट करना है। अगर डिलीट करने के बगैर ही आपने इसको सील कर दिया तो आपकी मशीन जो है, कंट्रोल यूनिट जो है, बटन दबाने के बाद इनवैलिड शो करेगा, यानी अभी आपने मशीन को क्लियर नहीं किया है। इसलिए इसको रिजल्ट के बाद आपने क्लियर करना है, आपका सारा वोट जो इसमें है उसको डिलीट करना है। ये आ गया एंड, एंड आने के बाद अब आप इसको ये क्लियर वाला बटन दबाना है, यानी हम कर रहे हैं सीआरसी, पहले क्लोज, क्लोज बटन दबाने के बाद स्क्रीन पे पोल क्लोज आ गया, फिर हमने रिजल्ट दबाया वन बाय वन करके चला और एंड आ गया। अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं मॉक पोल को, ये हमने क्लियर वाला बटन दबा दिया, ये पोल डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, अब ये सारा वोट जो इसके अंदर है वो वन बाय वन करके ये सारा जो है इसको डिलीट कर रहा है। याद रखिए मॉक पोल करने के बाद जब आपने वोट डाला उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज करना है मशीन को, क्लोज वाला बटन ब्लैक वाला दबाना है, वो दबाने के बाद वीवीपैट से सारी स्लिपें बाहर निकालनी है जितने भी आपने मॉक पोल में डाली हैं, उसमें से 7 स्लिपें वो जिस पे वोट नहीं है उनको अलग करना है, बाकी जिन पे वोट है उनको सेग्रीगेट करना है, जिस कैंडिडेट को जितनी स्लिपें आपने वोट डाला है उसकी अलग अलग करनी है। तो यहां से इसको इसके साथ मैच करना है क्लोज वाला बटन दबाने के बाद, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट वाला बटन दबाना है, रिजल्ट वाला जो है वन बाय वन करके आपको रिजल्ट शो करेगा ताकि आप इसको और इसके साथ मैच करेंगे जो आपकी स्लिपें वीवीपैट से निकली हैं। अब रिजल्ट देखने के बाद आपने इस तमाम पोल को जो पोल्ड हो चुका है, जो सारा वोट इसमें पोल हो चुका है उसको आपने डिलीट करना है क्लियर वाला बटन दबाने से। अब यहाँ ट्रेनिंग में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कुछ मशीनें जब यूज होती हैं कि भाई हम कोई बटन दबाते हैं तो ये इनवैलिड शो करती है, इसका मतलब है ट्रेनिंग प्रोसेस में अक्सर सवाल आ जाते हैं कि हम इसका कंट्रोल यूनिट का बैलेट वाला बटन दबाते हैं तो इनवैलिड दिखाता है, इसका मतलब है इसके अंदर वोट है, आपने इसको सीआरसी करना है। आप क्लियर वाला बटन दबा दीजिए इनवैलिड शो करता है, रिजल्ट दिखा बटन दबा दीजिए अगर चलता है ठीक, नहीं चलता है तो क्लोज वाले प्रोसेस से शुरू करें ट्रेनिंग वाले पार्ट में ताकि आपका जो इसमें ट्रेनिंग के दौरान वोट रहा होता है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आपको एक्चुअल पोल के लिए ईवीएम मिल जाएगी उसमें कोई वोट ऑलरेडी पोल इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, इसमें बिल्कुल आप साफ शफाफ जीरो वोट होगा, आपने कनेक्ट करने के बाद सीधा बैलेट बटन पर जाना है, वोट डालना है, वोट डालने के बाद आपने क्लोज करना है, क्लोज के बाद रिजल्ट बटन दबाना है और रिजल्ट के बाद आपने इसको क्लियर करना है ताकि आपका सारा वोट जो इसमें क्लियर हो जाए। एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए आपने मॉक पोल किया, आप मशीन को आपने क्लोज नहीं किया, सिर्फ आपने वीवीपैट से स्लिपें निकाली, तो वो आपका वोट जो इसमें वहीं का रह जाएगा जो आपको फिर मिसमैच होगा, आपका प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी पे वोट कुछ आएगा और ईवीएम कुछ और बता देगी। इसलिए ये याद रखिएगा कि आप मॉक पोल के बाद इसको क्लोज करेंगे, क्लोज के बाद रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के बाद उस मॉक पोल को आप क्लियर करेंगे ताकि इसमें कोई मॉक पोल वाला वोट इसमें न रहे। ये आ गया डिलीट, सारा वोट हो गया डिलीट। जब ये वाला प्रोसेस हमने कंप्लीट किया एंड आ गया ई एन डी, यानी आपका पोर्ट सारा वो जो है वो सारा क्लियर हो चुका है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका सीलिंग वाला है, पेपर सील करना है।
लेकिन उससे पहले आप मशीन का स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ इसलिए कर देंगे ताकि सीलिंग के दौरान आपके उंगली से कोई बटन न दबे, ताकि बाद में आपको मशीन इनवैलिड शो करेगी। अब हमारे पास डमी पेपर है, इसमें क्या होगा, मैं आपको डमी पेपर दिखाता हूं जो आपको ओरिजिनल मिलेगा। एक तरफ से वो कलर्ड होगा, एक तरफ से प्लान होगा। प्लान वाली साइड सीरियल नंबर लिखे होंगे, उस पर आप एजेंट्स के साइन लेंगे, सीरियल नंबर को नोट करेंगे, अपने पास भी एजेंटों को भी नोट कराएंगे। अब जो कलर्ड वाला पोर्शन है वो आप अपनी तरफ अपने चेहरे की तरफ रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये वाला बॉक्स जो है, जो आपको दिख रहा है, इसमें से छोटी वाली पेपर सील लगानी है। ये कलर्ड माल है,